मॉर्निंग चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आप सब कुछ है समझ कर आज के लेसन शुरू करो। ओके, कल क्या हुआ था आपको याद है? कल हम क्या कैसे कहते एक बार घर ले करने के बाद आज हम क्या करना चाहते हैं आप जानिए। आपको पता है क्या मैं आज क्या करने जा रही हूँ? चलो आज एक नए विषय के साथ आई हूँ। आज क्या है? आज मैं भारत के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। भारत क्या है? हमारा देश कौन सी है? हमारा देश आपको पता है नाम इंडिया कहते हैं और भारत भी कहते हैं। भारत कैसा देश है? बहुत राज्यों का देश है ना, बहुत राज्य है। राज्य में बहुत जिला है, जिलों में बहुत तालुक है, बहुत थलों में बहुत विलेजेस है ना? आपको ये याद है? खुद तो हम भी भारत भारत के कौन से राज्य में है? कर्नाटक में। कर्नाटक के कौन से जिले में है? शिमोगा। शिमोगा के कौन से तालुक में है? शिकारपुर। शिकारपुर के कौन से गांव में है? कुछ लोग हम कौसे आसपास के गांव में हैं और कुछ लोग शिकारपुर में है। और हर एक गांव का, हर एक तालुक का, हर एक जिले का, हर एक राज्य का, हर एक देश का अपना ही एक त्यौहार होता है। ऐसे ही भारत तो बहुत बड़ा देश है ना, वह अपना ही सांस्कृतिक देश है। हर एक राज्य का अपना ही एक सांस्कृतिक से नेम पड़ गया है ना। हर एक लोगों का अपना ही जनांगीय, अपना ही धर्मों का अपना ही एक शैली का त्यौहार है। ये त्यौहार कैसे कैसे बनाए जाते हैं, कुछ किस नाम से बनाए जाते हैं? हमारा दशहरा है ना, हम देश भर में जाते हैं। दिवाली दीपों का त्यौहार है। ऐसे ही हर एक देश, हर एक राज्य का, हर एक देश का अपना ही एक त्यौहार है। ठीक है, आज हम भी एक त्यौहार किस नाम पर हम त्यौहार मनाने जाते हैं, हम भी मनाने जाते हैं फसलों का त्यौहार। हर एक राज्य का अपना ही एक त्यौहार होता है। आज हम फसलों का पंजाब के
बैसाखी उत्तर भारत के होली और ओडिशा के नवाखाई और उत्तर पूर्व भारत के बंगाला केरल और कर्नाटक के विषय हम जाएंगे अब मकर संक्रांति। मकर संक्रांति उत्तर भारत के है ना, मकर संक्रांति उत्तर भारत के है, मकर संक्रांति उत्तर भारत के। उत्तर भारत कौन आता है? कर्नाटक, कर्नाटक ओडिशा हरियाणा आते हैं। इस सब में मकर संक्रांति मनाया जाता है। मकर संक्रांति क्या है? मकर संक्रांति दक्षिणायन से सूर्य नारायण सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण को जन्मेगा। धनु राशि से मकर राशि को जाने को हम संक्रमण कहते हैं। ये संक्रमण अभी कभी आता है ये हर जनवरी हर साल जनवरी 14th या 15th को ये मकर संक्रांति त्यौहार मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये तो हम जाना है। ये मकर संक्रांति देवताओं के लिए बहुत मुख्य है। ये दक्षिणायन से वो देवताओं के रात्रि से नकारात्मक रहता है। ये कुछ अच्छा काम नहीं लगता अच्छा दिनों के में, क्योंकि ये दिन कम रात बड़ा हो गया रहता। ये उत्तरायण में देवताओं के दिन रहता है, ये सकारात्मक होता है। ये तब अपना घर में आता है, दिन बड़ा होता है रात कम होता है। अब हम आप जा सकते हैं, अब बहुत ठंड दिना है। अब ठंड के दिनों में हम बहुत सर्दी रहता है, तब ये रात ज़्यादा अभी 7-6:30 होते से पूर्ण अंधेर होते रहता है। वही मकर संक्रांति के साथ ये बहुत बड़ा दिन गर्मी के दिन आता है। ये मुख्य ये क्या होता है, दाल और चावल के पकवान बनाते हैं। ये तेल तिल भी बहुत यूज करते हैं। ये मकर संक्रांति खाड़ों का भी ये यूज करते हैं। ये त्यौहार में छोटे छोटे बच्चे सभी ये बांटते हैं। ये सभी घरों को नए कपड़े पहनते हैं और तेल मसाज करते हैं। पशु और घर में रहने चीज़ों को नया सजावट से बनाते हैं और घरों को बहुत सजाते हैं। ये मकर संक्रांति और ज़्यादा स्वीट भी बनाते हैं। स्वीट बहुत अच्छे से बनाकर सभी घरों को बांटते हैं और फसलों को पूजा करते हैं। ये सभी मकर संक्रांति के बहुत मुख्य कारण है। ये बहुत उत्तम रीति से मनाते हैं। सभी गांवों में ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है। भारत में ये मकर संक्रांति उत्तर भारत में बहुत प्रमुख त्यौहार है। ऐसे ही पंजाब में लोहड़ी पंजाब में ये लोहड़ी ये पंजाब के जो आस पास के जिलों में भी मनाते हैं। सिंध लोग इसे लाल लोहड़ी भी कहकर मनाते हैं। ये इसमें बहुत पकवान भी बहुत ये मुख्य रहता है। और ये कुछ घर में एक घर में शादी हुआ एक वधु वरा से घर में मिलकर सभी बच्चे ढोला मांगकर ऐसे कुछ लकड़ियाँ मांग कुछ तिल वगैरह वगैरह लेकर इकट्ठा करकर लकड़ियाँ जलाकर उस पर ये फेंकते हैं। ये प्रमुख रिवाज है। और ये पशुओं को बहुत सजाते हैं और नाथ होकर घर में बच्चे सभी और नए कपड़े पहनकर एक अच्छे पकवान बनाकर
खाकर नृत्य नृत्य करकर घर गरा भूखो और मांग कर सभी को बांटते हैं और एक कट्टा सभी मिलकर और लकड़ी जलाकर आम को भी जलाते हैं। ये बहुत प्रमुख त्यौहार पंजाब का है। पंजाब के आजू बाजू सभी जिलों में ये मनाते हैं। ऐसे ही अब बिहू बिहू कौन बिहू में ये मकर संक्रांति के असम असल ये असम के प्रमुख त्यौहार है। ये उच्च नीच और जाति पाति ये सब समुदाय ये सभी छोड़कर ये हर एक असमी लोगों के साथ ये मिलकर ये मनाते हैं। ये असम का प्राचीनता को दर्शन कराते हैं और ये जीवन शैली को बताते हैं और युवा युवतियों का बहुत बड़ा ही त्यौहार माना जाता है। ये नृत्य करते हैं और युवक युवतियों ने कपड़े पहनते पशुओं को वस्त्रों को एक अच्छा मनाते हैं और तीन रूप से ये बिहू बिहू त्यौहार मनाते हैं। ये तो पहले रंगोली के रूप से मनाते हैं अप्रैल में मनाते हैं। तो नेक्स्ट सेकेंड में हम कार्तिक मास में काकड़ी रूप में बिहू मनाते हैं और जनवरी में मकर बिहू के रूप में ये मनाते हैं। ये कुछ रीति रिवाजों से फसलों के रूप में एक ये युवतियों के बहुत बड़ा ही त्यौहार मनाते अपने खुशी से उल्लास से ये बरकर मिलते हैं। ये कैसे पंजाब के युवती युवतियों के साथ कैसे उल्लास रहते हैं ऐसा ही ये बिहू में भी मनाते हैं। ये कर्नाटक के उत्तर भारत के मकर संक्रांति में ये झूला झूल कर खेलते हैं ऐसा ही ये मनाते हैं। ऐसे नेक्स्ट पोंगल पोंगल कौन से पोंगल 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 तमिलनाडु के तमिलनाडु की एक प्रमुख त्यौहार है। ये चार दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु की एक प्रमुख त्यौहार है ये चार दिन मनाते हैं। ये आम इसमें आम जलाते हैं आम बहुत जलाकर मनाते हैं और पुरानी वस्तुओं को ये इस आम में डालकर ये सुखा चला जाते हैं बाद ये नए वस्तुओं के लिए खरीदते हैं। ये प्रमुख आहार के रूप में गन्ने के साथ ही ये पकवान बनाते हैं। तमिलनाडु के प्रमुख त्यौहार है। ये सभी फसलों को इकट्ठा करकर ये पूजा नमस्कार करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं और पशुओं के सुंदर रूप से सजावट करते हैं। ये सभी तमिलनाडु के एक प्रमुख त्यौहार। ऐसे ही ओणम तो केरला के प्रमुख त्यौहार है। ओणम केरला के प्रमुख त्यौहार है। ये 10 दिन मनाया जाता है। ये महाबली की महाराजा महाबली के आने का सूचना से उसे सम्मान करने के लिए ये 10 दिन मनाते हैं। दशहरा की वैसे नौकरी मनाते हैं 10 दिन ऐसे ही एक प्रमुख हर एक दिन का हर एक रूप से ये सजा कर सवार कर ये मनाते हैं। ये क्या प्रतीक है मालूम ये है महाबली अपने लोगों को देखने के लिए 10 दिन में आता है महाराज ऐसा समझ कर हर एक दिन को हर एक विशेषता के रूप में ये मनाते हैं। दूध के पकवान बहुत मुख्य होता है। दूध से 18 प्रकार के व्यंजन बनाते हैं ये पकवान बनाते हैं इसलिए ये बहुत उत्सव रूप से एक घर के हर एक सदस्य के बहुत उल्लास से नए कपड़ा पहनकर पशुओं पशुओं को रंगोली के रूप में फूल से सजाकर घर घर वगैरह को सजाकर बनाते हैं। ये सरकार भी ये सरकार
पर्यटन के नाम से ये मान्यता देकर ये भी बहुत सहकार देकर ये वो केरल के प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है। चलो चलो सा और एक पांच को कल की क्लास में मैं बताती हूँ, आज ही इतना ही। देखो ये मकर संक्रांति त्यौहार के लोहड़ी पंजाब के बिहू असम के पोंगल तमिलनाडु के ओणम केरल के ये पांच आपके पांच त्योहारों के आप जानते हैं। ये पांच त्योहारों में कौन से आपको पसंद है? आप कर्नाटक के मकर संक्रांति आपको बहुत पसंद है। कुछ लोग जुला जुलकर ये बनाते हैं, सही के लिए जाते हैं और लोहड़ी में युवती युवतियों के बहुत ही सुंदर रूप से ये मनाया जाता है। बिहू तीन रूप में हर एक रूप का हर एक अपना ही विशेषता रूप से असम में होता है। पोंगल तमिलनाडु में एक पोंगल ही भीड़ में मनाते हैं। पोंगल एक दाल चावल गुड़ सभी मिलाकर एक पोंगल बहुत ही विशेषता रूप में ये पोंगल के त्यौहार बहुत ही सुंदर से रहता है। ये पोंगल भीड़ में बनाकर महिलाओं के आंगन की रंगोली भी रखकर रंगोली की स्पर्धा भी रहता है। ऐसे ये बहुत उत्साह से मनाते हैं। और अब ओणम के केरल के प्रमुख त्यौहार है, ये दशहरे मनाते हैं। ये महावली के रूप में दशहरा आकर हम लोगों को देख कर हमें संतोष माने बताने के लिए त्यौहार केरल में मनाते हैं। चलो इतना ही आज के लिए बस। चुनाव ये जानकर आप भी समझ में आया समझ कर मैं आज की क्लास समाप्त करती हूँ।